अगर रात की रोटी बच जाए तो इस तरह की नाश्ता बनाए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कंचन की दुनिया में। और यकीन मानिए, एक बार अगर इस तरह से आप बची हुई रोटी का नाश्ता बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं एक और रेसिपी। हमने यहाँ पे लिया है 3 रोटी। सबसे पहले हम इन रोटी को पीसेस में काट लेंगे। अगर आप इसे हाथ से तोड़ना चाहें तो आप हाथ से छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। इन सभी रोटी को काटने के बाद हम एक प्लेट में रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें करीब 1 कप तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद रोटी के पीसेस को हम इसमें डाल देंगे। ये नाश्ता मिनटों में बन जाती है और टेस्टी भी बहुत ही लगती है। सभी रोटी के पीसेस को डालने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। हम इसे हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो बहुत ही कड़ी हो जाएगी ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नाश्ता पसंद आए, ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए, हमारी रोटी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम इसे छन्नी की मदद से निकाल लेंगे ताकि इसमें से सारा तेल निकल जाए। हल्की और चटपटी चीज़ें बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, तो एक बार अपने बच्चों को इस तरह से बनाकर ज़रूर खिलाएं। बाकी के तेल को हमने निकाल लिया है। करीब हमने इसमें 2 चम्मच तेल डाला है और उसमें हमने डाला है 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन और 2 हरी मिर्च। इसे हम 5 सेकंड के लिए चला लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे 1 कटी हुई प्याज। 1 प्याज हमने डाला है, इसे भी हम 30 सेकंड के लिए चला लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 कटी हुई शिमला मिर्च, इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काटा है। इसे भी हम 30 सेकंड के लिए पकाएंगे। गैस को हम तेज़ी रखेंगे और इन सब्जियों को हम बराबर चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। इन सब्जियों को हम बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जलने लगेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटी हुई टमाटर। टमाटर को हमने बड़े बड़े पीसेस में काटा है, इसे भी हम 30 सेकंड के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 काली मिर्च और इसे भी हम मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे चाउमीन मसाला, इसे और भी टेस्टी बनता है ये नाश्ता। और उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। गैस को हम मीडियम रख देंगे, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिल्ली सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस और इसे हम मिला लेंगे। हम इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे और इन सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम यहाँ पे फ्राई की हुई रोटी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम हाई रख देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये नाश्ता आप सुबह में खाइए या शाम को चाय के संग खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी। अगर आपको यहाँ पे टोमेटो सॉस डालना है बच्चों के लिए तो आप वो भी डाल सकती हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो चिली फ्लेक्स नहीं डालें। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं और पक भी गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मूँगफली। मूँगफली को हमने ड्राई रोस्ट करके इसका छिलका निकाल लिया था। अगर आप मूंगफली नहीं डालना चाहें तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। मज़ेदार रोटी का नाश्ता खाने के लिए तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल के इसे गार्निश कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।